माय चैनल नेचर फॉर यू। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट से मिलवाने वाली हूँ। तो ये प्लांट जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे लगाया जाता है, कैसे इसका केयर किया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल करें, कहाँ पर हमारे लिए यूजफुल होता है, सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लांट का जो है सबसे पहले हम नाम जानते हैं, तो इसका नाम पार्सले है, जो कि ये सलाद पत्ते के रूप में बहुत फेमस हो रहा है। तो पर ये बेसिकली इंडिया का ये प्लांट नहीं है, ये बाहर का प्लांट है। तो लेकिन इंडिया में इसको खूब लोग लगा रहे हैं, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके अर्बन जो किचन गार्डनर है वो जरूर से इसे लगाता है। लेकिन इंडिया का टेम्परेचर पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं रहता है, तो ये जहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है लगभग 10 से लेकर के 20-25 तक मिलता है तो वहाँ अच्छे से चलता है, और नॉर्थ इंडिया में तो ये सिर्फ विंटर में चल पाता है। अगर आपको काफ़ी दिन चलाना है तो इसे आप शेड में रख के भी चला सकते हैं, तो शेड में ये थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाता है। नॉर्थ इंडिया में ये लगभग अक्टूबर से लेकर के अप्रैल मई तक चलाया जा सकता है, अगर इसे आप ज़्यादा केयर करके रखते हैं तो। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर होता क्या क्या है। इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 होता है, इसके अंदर फैटी एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है, इस ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे हमें बिना जाने समझे इसको आराम से यूज करिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे बोन को मजबूत करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। तो इतना कुछ इसके अंदर होगा तो ये हमारे कई बीमारियों को ठीक कर देगा। तो इसे हमें सोचने और समझने के लिए इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से हम डेली रूटीन में यूज़ करें। इस पौधे को कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी उम्र में खाया जा सकता है। बस उन लोगों को इसे नहीं यूज करना चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, क्योंकि उनके लिए ये रिकमेंड नहीं है। और इसे यूज करना, इसे खाना बहुत आसान होता है। आप इसे सूप में बना के पी सकते हैं, या इसका जूस बना सकते हैं, या फिर आप इसको कच्चा ही चबा के खा सकते हैं। इसीलिए इसे सलाद में यूज किया जाता है, क्योंकि कच्चा खाना ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। या फिर इसको चाय के रूप में भी बना के पी सकते हैं, जैसे हम स्टीविया का चाय पीते हैं, लेमन ग्रास का पीते हैं, या तुलसी का पीते हैं। इसे ब्यूटी एक्सपर्ट और हेल्थ एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। अगर आप ज़्यादा दिन तक इसको लगा के चलाना चाहते हैं तो तब इसको बड़े गमले में लगाइए, और अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसे आप शेड की ओर ले जाएं, और जब बहुत ज़्यादा विंटर पड़े तो इसको धूप में आराम से रखिए। ये प्लांट जो है धनिया के पौधे से भी वैसे काफ़ी मिलता है और नहीं भी मिलता है। उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है जो नए गार्डनर होते हैं, अगर अच्छे से आप इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल भी धनिया से नहीं मिलता है। और हेल्थ बेनिफिट में भी दोनों एक दूसरे से अलग होता है। हाँ, थोड़े से केयर टिप्स हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे इसे आप विंटर में लगाइए, धनिया भी विंटर में चलता है, ये भी विंटर में चलता है। धनिया को जैसे हम काटते हैं तो वो और फिर से बढ़ता है, वैसे इसको भी आप काटते रहेंगे तो ये और अंदर से काफ़ी नए नए शूट्स निकालते रहता है। बाकी बहुत कुछ नहीं मिलता है धनिया से, तो इसे आप अलग रखिए और धनिया को अलग ही रखिए। तो इसको हम जानते हैं कैसे लगाते हैं। वैसे तो ये बीज से भी लग जाता है, इसका बीज अजवाइन के बीज की तरह होता है, लेकिन एक दो पौधे लोग नर्सरी से लाते हैं और लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम सीड लेंगे तो वो पैकेट पूरा लेना पड़ता है, वो इतनी और उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिया में धनिया की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़ा कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो इसका सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है वेल्ड्रन होना चाहिए, जैसा कि सारे पौधों के लिए वेल्ड्रन सॉइल होता है, वैसे इसके लिए भी आप वेल्ड्रन सॉइल रखिए। इसे थोड़ा पानी कम पसंद होता है, अगर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो रूट रॉट हो जाता है, इसलिए पानी उतना ही डालें। जब ये सॉइल ऊपर से ड्राई हो जाए तब डाले पानी, और इसे जो है टाइम टाइम से आप इसको नीचे की पत्तियों को हटाते भी रहें, नहीं तो ये पत्तियां जो है अगर आप छोड़ देते हैं तो इस तरह से येलो भी हो जाता है, येलो हो जाता है, तो इस पत्तियों को आप रिमूव कर सकते हैं, और देखने में ये बिल्कुल छतरी की तरह बना देता है। इसे जब हार्वेस्ट करना होता है तो आप इसको जो है यहाँ से जो नीचे वाले पत्तियां होती है उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, बीच वाली पत्तियों को रहने दें ताकि ये नीचे से हटता जाएगा और नीचे और ऊपर से नया ग्रोथ होता रहेगा। जो इसकी नई नई पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल बंद होता है और बाद में ये पत्तियां खुलती जाती हैं। इसका जो हर एक ब्रांच होता है वो अम्ब्रेला के शेप बनाता चला जाता है, बंच जैसा दिखाई देता है। अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहें तो भी लग जाता है, पर वेदर अच्छा होना चाहिए। और फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लीफी प्लांट होता है। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा कि ज़्यादा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो इसको
नाइट्रोजन बेस्ड खाद इसमें डालिए, इसके अलावा और जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में और दूसरे प्लांट के साथ और दूसरे जानकारी के साथ।